अखंड मंडलाकार राजन थे, अभी आपने कथा नहीं सुनी, भाई साहब ने ढंग से नहीं सुनी। तो राजन के क्या थे, चार पुत्र थे। आप पिताजी बड़े धार्मिक थे, तो तीनों भाई जो बड़े थे वो पिताजी जब भी तर्पण श्राद्ध हवन आदि होता था, तीन तो पिताजी के साथ बैठ जाया करते थे। सुनो, राय नमः, पुनः प्रजापते नमः, स्वाहा इदं प्रजापते नमः। आप चलो, ये दो सबको आप नहीं भाई साहब आलवा ओंकार बिंदु सहितानं नित्यं ध्यान्ति युग्मं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार देशां सदाशिवाय नमः स्वाहा। स्वस्ति न इन्द्रौ वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न भूखा विषधीर्या, स्वस्ति नस्तारस्यो अरिष्टनीमहि, स्वस्ति नौ वीरश्वति दातु, स्वस्ति मध्ये सच्चिदानन्द दीपाय नमः स्वाहा। श्रीचति लक्ष्मीश्च पत्न्यां भवरात्रि उपासन सिंहाय नमः स्वाहा। भगवान सिंहाय नमः स्वाहा। भगवान सिंहाय नमः स्वाहा। भगवान सिंहाय नमः खाली करिए और परम पिता प्रभु अग्नि से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान अग्नि, आपने सब पूजन के क्या हो साक्षी हो, जिनकी जो भी मनोकामना हो, हमने अपनी मन कामना बल कामना धन कामना भाई साहब कहेंगे कि नूतन घर में सुख शांति की कामना के बल फल की प्राप्ति करे। भगवान जी तन मन धनादि से पूजन किया, अब पूजन के द्वारा हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, पूजन के द्वारा धन कीर्ति को हमारे घर के अंदर विराजमान रखना। भगवान से बार बार प्रकार आराम से ओम पवित्रेषु मुखा दग्न जायता। ओम स्वस्ति न इंद्रौ वृद्ध सर्वा, धन्यवाद। ओम स्वस्ति न इंद्रौ वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न पूखा विषदीत्याः, स्वस्ति न स्तारिषो अरस्तमीनहि, स्वस्ति नौ विष्णो भगवान जी का वास करना है, ठीक है। पहले जल पास कुंभ के अंदर सारे 14 रत्न है।
जी बधाई हो किरण, देवी देवी बहुत बहुत बधाई। अब दूध रख दो, चढ़ा दिए चढ़ा तू रखी थोड़ा नाम अवसर हमारे घर पे आते रहे।